का टिकट काटने के पीछे यहाँ के माननीय सांसद पंकज चौधरी जी का हाथ है। 30 वर्षों से वो लगातार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज थे। उनको यह भय सता रहा था कि इस बार जो है अनारक्षित हो गया है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट, कहीं ऐसा ना हो हिंदू का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाए और हमारी कुर्सी जो जिस पर हमारा कब्जा चला आ रहा है 30 वर्षों से वो खतरे में पड़ जाए। एक साजिश के तहत ही जो है हिंदू कार्यकर्ताओं का टिकट काटा गया है। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए मैं चूंकि जिलाध्यक्ष हूँ संगठन का, इसलिए उनके लिए प्रचार भी करूंगा, जाकर जनसभाएं करूंगा जो है, और हर हाल में चुनाव जीता करके हम ले आएंगे। आवश्यकता पड़ी तो इनके खास प्रत्याशी जिनको वो जिलाध्यक्ष के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ से भी प्रत्याशी उतार करके उनके उसी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है? देखिए, बीजेपी का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत जो है सांसद जी का विरोध है और उसमें जो साजिश में शामिल है उन लोगों का विरोध है। बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं, हमेशा बीजेपी का हम लोगों ने सहयोग किया है, चाहे वो लोकसभा का मामला रहा, चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। क्या इस मामले में आपने अपने संगठन के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनसे बात की? देखिए, हमने प्रदेश का, हमारा एक चैनल है, हम सिस्टम से चलते हैं, हमारा चैनल, हम प्रदेश कार्यालय को जो है अपने कार्यकर्ताओं की सूची भेजे थे और वहाँ से ये आश्वस्त किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से वार्ता करके आप लोगों को उसमें जो है टिकट दिलवाया जाएगा, आप लोग चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटवाने के पीछे जो है सांसद पंकज चौधरी का ही हाथ है, उसके अलावा दूसरा किसी का हाथ ही नहीं है। अच्छा, योगी जी के तस्वीर का भी उपयोग करेंगे? हाँ जी हाँ, योगी जी के चेहरे पे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चूंकि वो हमारे संरक्षक है, हमारे पूज्य है और एक धर्मपीठ के वो पीठाधीश्वर भी हैं। उनका चेहरा हम लोग लगाएंगे, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का हम लोग चेहरा लगाएंगे, ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज का हम लोग चेहरा लगा करके चुनाव के मैदान में रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि इस बार क्या पंकज चौधरी को आप लोग क्या सबक सिखाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं? देखिए, अगर कोई गलती करता है, बदले की भावना से कोई काम कर रहा है, तो उसको जवाब तो मिलना ही चाहिए और वह जवाब उनको मिलेगा।